आजा। भैया तूने भी आज ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में कुत्तों से वफादार और कोई नहीं। अब मेरा सीक्रेट ओपन हो गया है तो तुझे क्लोज होना होगा। सॉरी। मैंने इसे कहा था कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन देखो ओम नमः शिवाय। जैसा तुमने कहा था, मैं अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत ले आया हूं। अब अपने वादे के अनुसार रितु को छोड़ दो। परिवार में किसी को खोने का गम मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे मार दो पर रितु को छोड़ दो। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। तूने मेरे किरपान में हाथ डालने की गुस्ताखी की है ना? तेरी तो अब हे, एक तो पहले ही शनि का प्रकोप चढ़ा हुआ है, उस पर तू मौत बनकर मंडरा रहा है। बहुत सताया तूने, अब तुझे पता चलेगा कि तूने किससे फंसा लिया। तेरा भाई आईएएस ऑफिसर और तू आर्मी ऑफिसर, हाँ? चुपचाप आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी गुजारता, लेकिन नहीं, तुम दोनों भाइयों को देशभक्ति की खुजली जो लगी है कि नहीं? तू अपनी ताकत बॉर्डर पर ही दिखा सकता है, यहाँ नहीं। अगर गरीब बीमारियों से मरते हैं तो मरने देना, उनके जिंदा रहने से क्या तू झंडे गाड़ेगा? हे, इस देश में सब्जियों के दाम महंगे हो जाए तो लोग स्ट्राइक करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाए तो लोग स्ट्राइक करते हैं, मगर क्या कभी दवाइयों के दाम बढ़ने पर स्ट्राइक करते हैं? बोल, नहीं ना, क्योंकि वो डरते हैं अपनी मौत से। जो डर उनकी वीकनेस है वही हमारा बिजनेस है, जेनेरिक मेडिसिन। तेरे भाई का यही सपना था ना? अब तेरे बच्चों को क्या, पोतों को भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा रचा हुआ चक्रव्यूह है, इसे कोई नहीं भेद सकता। हे शेर, तू तो भीगी बिल्ली बन गया रे। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा दिलाऊं मैं? हमने तेरे भाई को मरवाया। उसे मारकर सुसाइड का रूप देने वाले हम दोनों हैं। गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा नहीं आ रहा तुझे? बोल, तुम चाहे मेरी जान ले लो, रितु को छोड़ दो। ए, तू, मुझे तो लगा था कि तू शेर है, जुआ निकला। भैया जाने दो इसे, मर गया ये, छोड़ा देख क्या रहा बे, इसकी पिक्चर खत्म कर। Oh,
सारी गोलियां उसके अंदर उतार देना। वो कोई आम इंसान नहीं है, शेर है। बब्बर शेर। ये क्या सिर्फ 10 सेकंड के अंदर? शेर साइलेंट हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो थक गया। इसका मतलब वो अगले वार की तैयारी कर रहा है। मैं चाहता था कि तुम 15 मिनट टेंशन में रहो। जानते हो क्यों? तुम्हारी पोल खोलने के लिए, जिसे अभी पूरी दुनिया ने देखा है। मैं तो बस नाटक कर रहा था। मैं आज तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। हम सैनिक तुम्हारे परिवारों की जान बचाने के लिए बॉर्डर पर अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, तो कोई हमारे परिवार पर आंख उठाए। तुमने कहा था कि मेरे भाई की बेटी अब तुम्हारे कब्जे में है। जरा चेक करो। कोई नहीं उठा रहा ना? उठाएगा भी नहीं। अगर देश के सैनिक बिकने लगे तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल ने तुम्हारी मदद की सिर्फ तुम लोगों को एक्सपोज करने के लिए, मुझे कोर्ट मार्शल करने के लिए नहीं। दवाइयां तेरे लिए सिर्फ एक धंधा है। लोगों की जान बचाने के लिए कर्फ्यू में भी मेडिकल की दुकान खुली रहती है, और तुम लोगों ने मेडिसिन का गैर कानूनी कारोबार बना रखा है। अब पूरी दुनिया को तेरे बारे में पता चल गया। तुझे जिताकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। तू उनको तभी दवाइयां देगा जब वो स्ट्राइक करेंगे। वो स्ट्राइक करेंगे, सड़कों पर उतर कर स्ट्राइक करेंगे। मेरे भाई का सपना पूरा होगा। मैं किसी देशद्रोही को चैन से जीने नहीं दूंगा। वो ईमानदार थे, ईमानदारी से जनता की सेवा की और उनके लिए अपनी जान दी। ये मेरे भाई की तरफ से। हेलो कंट्रोल रूम। डॉक पे अभी एक गैंगवार हुई है। घायल लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हमें यहाँ एम्बुलेंस की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके डॉक पर पहुँचो। चलो चलो, उठाओ इन्हें, चलो जल्दी करो।
यहाँ से कोई भी गाड़ी बाहर ना जाने पाए। ले चलो इनको, चलो जल्दी जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस लेके।